एवरीवन, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल रेडिएंट रुचि में। दोस्तों, काफी टाइम हो गया था मैंने आप लोगों के साथ कोई रेसिपी वगैरह शेयर नहीं की थी, तो मुझे लगा क्यों ना आज एक रेसिपी दिखाई जाए आप लोगों को और साथ में आप लोगों के साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट भी किया जाए। सो मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी सी सिंपल लेकिन डिलीशियस रेसिपी शेयर करूंगी। ये रेसिपी एक्चुअली मुझे मेरी सिस्टर की जो सास है, मदर इन लॉ, उन्होंने बताई थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी जब मैंने फर्स्ट टाइम लोगों के घर में खाई थी। सो चलिए शुरू करते हैं। इसका नाम है चूड़ा मटर। कोई चिवड़ा मटर बोलता है, कोई मटर वाला भूगा बोलता है, कोई चूड़ा मटर बोलता है, लेकिन फ्लेवर जो है इसका अमेजिंग होता है। तो लेट्स स्टार्ट इट। सो इसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें हम एक चम्मच तेल डालेंगे। आप रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं या फिर मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल ले सकते हैं, या फिर चाहो तो देसी घी में भी बना सकते हो। मैं जो इसको स्टार्टिंग में डालती हूँ वो रिफाइंड ऑयल डालती हूँ और उसके बाद एंड में मैं इसमें एक चम्मच देसी घी ऐड करती हूँ। उससे इसका फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है, खाने में भी टेस्टी लगता है। जब तो तेल गर्म हो रहा है, थोड़े से गप्पे शप्पे भी मार लेते हैं हम लोग। सो एज यू गाइज नो, आई एम अ बिग फूडी। इनफैक्ट वी आर अ वेरी बिग फूडी फैमिली। हम तीनों को ही खाना खाना बहुत पसंद है, अलग अलग वेराइटीज क्विजीन ट्राई करना अच्छा लगता है। मुझे हमेशा से बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि अलग अलग कल्चर्स का खाना ट्राई करने की, या लोगों के घर में क्या बनता होगा, क्या उनके कल्चर में स्पेशल बनता है, या फिर ब्रेकफास्ट में लोग जैसे क्या करते हैं रोज खाने में अलग अलग। हमारे यहाँ तो मोस्टली ब्रेड या पराठे ही चलते हैं बिकॉज मेरे हस्बैंड को ब्रेड बहुत पसंद है। सो तेल हमारा गर्म हो गया है, इसके बाद हम इसमें पहले अनियन डालेंगे। हमें इसमें जीरा वगैरह कुछ नहीं डालना, एज आई टोल्ड यू बहुत ही सिंपल रेसिपी है। गैस जो है मैंने फिलहाल मीडियम पे कर रखी है। प्याज को हम कुछ मिनट के लिए सौते करेंगे, लाइक एक दो मिनट के लिए हल्की सी भून जाए, बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करनी है, हमें से हल्का सा गलाना है। तो यस, एज आई वाज सेइंग कि हम लोगों को खाने का बहुत शौक है, हम लोग मतलब अलग अलग क्विजिन्स ट्राई करने का मौका कभी भी नहीं छोड़ते हैं। इनफैक्ट हम लोग किसी भी हम लोग जब भी कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ की जो स्पेशलिटी होती है हम लोग वो जरूर ट्राई करते हैं, क्योंकि लोकल से हम लोग पूछते हैं कि वहाँ की क्या स्पेशलिटीज हैं और लोकल्स भी बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं। हम लोगों को पता लगता है कि हाँ चलो ये हमारे खाने में इंटरेस्टेड है, हम लोगों के कल्चर को जानने में इंटरेस्टेड है, तो लोग बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं। तो मेरा फेवरेट जो है, मुझे माउंटेन्स बहुत पसंद है। आई जस्ट लव माउंटेन्स एंड सो वी लव सी। उसको समुद्र बहुत पसंद है, बीचेस बहुत पसंद है, सो वी आर टोटली ऑपोजिट, लेकिन स्टिल हम लोग की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। सो प्याज हमारी भुन चुकी है ऑलमोस्ट, हल्की सी, देखो मैंने बोला था हल्का सा बस गलाना है, क्योंकि इसमें अभी हमें मटर डालेंगे, मटर डाल के हम पकाएंगे। आई लाइक टू इंटरेक्ट विद पीपल, लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं ऐसी नहीं थी, बहुत ही थोड़ी कंजर्वेटिव काइंड ऑफ थी, इंट्रोवर्ट नेचर की थी, बहुत ज़्यादा खुशी नहीं थी, लेकिन सुधीर जो था वो टोटली ऑपोजिट था। उसको बहुत पसंद था लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, नई नई चीज़ों के बारे में जानना। तो यस, उसके साथ रह के मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, मेरे साथ रह के उसने कुछ भी नहीं सीखा है। सो ये है मटर, तकरीबन आधा किलो से थोड़ी कम है। इसमें मटर जितनी ज़्यादा होना उतना ही मज़ा आता है। सो अब हमने इसको वॉश कर दिया है और इसको भी हम इसमें डाल देंगे, और मटर डालने के बाद हम ढक्के करेंगे इसको, इंतज़ार, गैस सिम रखिएगा। तो चलिए जब तक मटर हमारी पक रही है, थोड़े से गप्पे शप्पे मार लेते हैं। सो ये काफ़ी घुमा है, इनफैक्ट मुझे लगता है मेरा यूट्यूब चैनल बनाने में बहुत देरी कर दी, मुझे बहुत पहले बना देना चाहिए था। सो डर हम जितनी जगह पर घूमें, मैं आप लोगों को भी अपनी वीडियोज़ के थ्रू उस जगह पर घुमा सकती, बट इट्स बेटर लेट देन नेवर, कभी ना कभी तो स्टार्ट करते हैं ना, कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। तो यस, मुझे हाँ आप लोग भी ना मुझे बताना कि आप लोग किस कल्चर से बिलोंग करते हो, आपके यहाँ पे खाने में क्या फेमस है, अगर आप किस स्टेट से हो, कभी हम वहाँ पे आए तो हम आप लोगों से ज़रूर मिलेंगे और आपके साथ ही उस खाने को ट्राई करेंगे। मुझे बताना कि आप लोगों के घरों में ब्रेकफास्ट वगैरह में क्या बनता है, आप लोग के स्टेट्स में क्या फेमस है, आपके कल्चर में क्या फेमस है खाने में, सो हम लोग भी उसको बनाने का ट्राई करेंगे। मेरे साथ अपनी रेसिपी शेयर करना, मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी वीडियोज़ वगैरह बनाने की, उसको भी किस तरह से मैंने बनाया है, मुझे कैसा लगा। Also guys, you just tell me how our channel is going on. Do you guys like our content? I am actually open to accept all the feedback. It will somehow help us to grow. So please मुझे बताना कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरा कंटेंट, मैं जो बना रही हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर मैं किस तरह से इसको इम्प्रूव कर सकती हूँ। ऐसे तो लोग ग्रो करते हैं ना। सो देखते हैं हमारी मटर गली की नहीं, थोड़ा सा खाई। तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अभी मैं इसमें थोड़ा सा ही नमक डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि बाद में हम जितना पोहा लेंगे उसके अकॉर्डिंग हम अपना सॉल्ट डालेंगे। इसको एक बार चला देते हैं थोड़ा सा। अभी लाइक मैंने 1/4 टीस्पून नमक लिया है। तो गाइस
फ्रेंड्स मटर हमारे ऑलमोस्ट पकने वाली है। अब मैं ये दो बारीक कटी हरी मिर्च डाल दूंगी। हरी मिर्च मैं एक्चुअली बाद में इसलिए डालती हूँ क्योंकि थोड़ी सी वो खड़ी खड़ी रहे, तो खाते हैं ना तो फ्लेवर्स का बहुत अच्छा आता है। तो मटर गई है गल। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसमें थोड़े से मसाले ऐड करूँगी। मैं थोड़ी सी लाल मिर्च इसमें ऐड करती हूँ, अराउंड आधा चम्मच। साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करूंगी। चाट मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसमें। अब हमने जितना अपना पोहा लिया था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बोला था नमक डालेंगे, तो मैं इसमें एक छोटा चम्मच नमक और ले लिया, बहुत ज्यादा नहीं। I love this butter wala poha, बहुत पसंद है मुझे। Thanks to आंटी, मेरी दीदी की सासू माँ जिन्होंने मुझे ये सिखाया। साथ में इसमें अब आधा नींबू निचोड़ देंगे। डारे थोड़ा सा हरा धनिया। करते हैं हम इसे सर्व और इस पे डालेंगे हम, मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट जो भी इसको खाते हैं उस पे नमकीन डाल के ही खाता है। सो ये मेरा यम्मी सा गरम गरम, थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देती हूँ। सो ये मेरा गरम गरम मस्त वाला पोहा, सॉरी चूड़ा मटर रेडी है। मस्त खुशबू आ रही है, मैं तो उसको खाने वाली हूँ अपनी चाय के साथ। आप लोग भी अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करिए और प्लीज मुझे बताना अपनी कोई रेसिपी जो मैं ट्राई कर सकूँ। और हाँ प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कर देना यार, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बोल देना सब्सक्राइब करने के लिए। Help me to grow. Thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care. Bye bye.